ये मैं हूँ, ये मेरा व्लॉग है और ये स्क्रिप्टेड व्लॉग हो रहा है। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। ये बजेगा गली के नाके पे, ये बजेगा तेरे इलाके में, ये बजता रहेगा जब पड़ेगा रेड और लोंडे डिफॉल्टर भागेंगे, हम उल्लू हैं रातें भी जाग। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सारे? आई होप सब ठीक होंगे। और सबसे पहले तो भाई बहुत बहुत माजरा, स्ट्रेट आफ्टर 2 मंथ्स मैं कोई चीज़ भी अपलोड कर रहा हूँ। जस्टिफिकेशन अपनी ऐसे दूंगा कि भाई सबसे पहली चीज़ मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, मैं बहुत बहुत ही इंतहा का काहिल आदमी हूँ। और इट्स बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपके व्यूज़ अच्छे नहीं आ रहे होते या लोग आपको देख नहीं रहे होते तो एक बंदे इंटरनली बंदे का मॉरल डाउन हो जाता है कि भाई यार कोई देख तो रहा नहीं है तो वीडियो क्यों बनाए। और बहुत ख्वारी लगती है यार एडिटिंग में, ठीक है, मतलब लगती है ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मतलब जो प्रोफेशनल है उनकी तो और ज़्यादा लगती होगी लेकिन हमारी भी लगती है तो, बट अगर कोई देख ना रहा हो तो फिर बंदे का मॉरल डाउन हो जाता है, सही है। अच्छा जी, इन 2 महीनों में बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ चेंजेस आए, बहुत कुछ अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आए, बहुत कुछ नेगेटिव चेंजेस आए। नेगेटिव ये कि भाई कॉलेज की क्लासेस स्टार्ट हो गई, सही है, वो लेवल्स का बर्डन आ गया है सर पे, उसकी वजह से भी इफ़ेक्ट हुई थी मेरी व्लॉगिंग। और पॉजिटिव ये है कि दोस्तों से मिले, अल्हम्दुलिल्लाह कोविड के केसेस कंपैरेटिवली कम हो रहे हैं, आई थिंक इट्स लेस देन 1000 अ डे विच इज़ अ गुड साइन, लेकिन यू नो यू नेवर नो, क्या पता थर्ड वेव आ रही हो, यही हुआ था ना फर्स्ट वेव में। तो आज जो व्लॉग मैं स्पेसिफ़िकली बना रहा हूँ वो टुडे इज़ द प्रेजेंट डे, और ये व्लॉग जो मैं आपको दिखाऊंगा वो उस दिन बनाया था मैंने। और बता दूँ बता ही देते तो जी, मोस्ट अवेटेड न्यूज़ इज़ के यार मैं ग्रेजुएट हो गया हूँ भाई, ग्रेजुएटेड भाई, ग्रेजुएटेड कराएं तो जी ये सीन है, अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुएट हो गया हूँ। और ग्रेजुएट मीन्स मतलब ओ लेवल्स कर लिया मैंने अपना, एंड फिर भी इतनी ज़्यादा खुशी नहीं है क्योंकि ए लेवल सर पे खड़ा है। तो रिसेंटली हमारी फेयरवेल हुई एंड थैंक यू सो वेरी मच स्कूल, आपने हमारी अर्जी सुनी और आपने हमें ग्रेजुएट आपने हमें फेयरवेल दी, क्योंकि बहुत जगह तो हो भी नहीं रही और हमारी लेजिट एक साल बाद हुई है फेयरवेल, मतलब आप देख रहे हैं इंतहा। और ऐसे देनी पड़ती उन लोगों को पता है, क्योंकि बाकी सारे कैंपस दे रहे थे और अगर ये नहीं देते बड़ुम सुधार दो मैं। अच्छे नहीं लग रहे मुस्तफा, अच्छे नहीं लग रहे बहुत। मुझे यकीन नहीं हो रहा मेरी ग्रेजुएशन हो गई है। आपके कैसे तासुरात हैं, आप ग्रेजुएट हो रहे हैं, आपको यकीन हो रहा है आप ग्रेजुएट हो रहे हैं? नहीं, मेरे को यकीन नहीं हो रहा, हो रहा नहीं यार, दिल भी नहीं है होने का। आप पे यकीन आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल कोई शक नहीं। आई वांट टू थैंक मी, आई वांट ग्रेड क्या है, एक सेकंड, आप ग्रेड क्या है, ए डबल बी डबल सी पीस पीस। आपको खाने में क्या चाहिए, इससे तस्वीर खींचनी है। कितने रुपए लिए? 500 रुपए ना, 500 और 400 का पूरा गांव लेते हैं। फाइनली जी द डे हैज़ कम और हम ग्रेजुएट हो रहे हैं, ये हमारा यकीन नहीं हो रहा मेरे ग्रेजुएशन में। आप खामोश रहे थोड़ा, एंड इट्स बीन अ वंडरफुल डे, मज़ा आ रहा है फाइनली कोविड में हुई है किरण। अच्छा, आपको आपको ग्रेजुएशन सेरेमनी में इग्नोरेंस मिली तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे यकीन नहीं हो रहा मेरी ग्रेजुएशन हुई है, मैंने 7 सेकंड जो कंप्लीट कर ली थी ग्रेजुएशन की, मैंने निकाली। आपको जो स्टेज पे सबके पीछे खड़ा कर दिया उसमें क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा। आपको मिली इज्जत? नहीं, बिल्कुल नहीं मिली, इनकी शक्ल से ही नहीं लग रहा। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? आ जाओ इधर, आ जाओ। हमें नहीं मिली, मैंने 7 सेकंड मुझे ग्रेजुएशन के लिए कर ली थी, मैंने निकाली थी। यार ये सिटी का क्यों लगा दिया यहाँ पे इन्होंने? थैंक यू। सो ये वाली
मैं गाजी को साथ रखूंगा, मुझे यकीन नहीं आ रहा। फाइनली भाई हो गई है और ये हमारा सर्टिफिकेट है। मुझे बहुत अच्छा सा नाम वो मिला है इन लोगों ने, क्या दी, दी ओनली व्लॉगर मेरा टाइटल है। और यार ये टोपी ने थैंक यू सो मच NNBC। भाई खाना खा लिया है हमने और जितने पैसे दिए थे उससे ज़्यादा वसूले यार, डोंट जज मी यार, मैं एक हफ्ते बाद व्लॉग बना रहा हूँ। वंडरफुल डे, वंडरफुल हफ्ते बाद यार, फंबल फंबल मैन, थैंक यू। इट्स बीन अ वंडरफुल डे, ख़त्म हो गया हमारा इवेंट और बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा, मतलब यार बनाना पड़ा। चलिए ख़त्म हो गया इवेंट और बस ये लास्ट हैं और ये इवेंट ख़त्म हो रहा है यहाँ पे टीचर, और बहुत अच्छा रहा, पैसे वसूल हो गए और बस। और मैं क्या बोलूँ, क्या क्या यहाँ पे, क्या यहाँ पे एक लड़का ब्राउन शर्ट में आके चौड़ा हो रहा है बेटा ये भाई। अच्छा हम जब तस्वीर लेते हैं इसके अंदर करते हैं, हमें पीस साइन याद रहेंगे। अपडेट बाहर निकाल लो अपना, ये यहाँ पे टिकटॉक बननी है, सेल्फीज हो रही है यार, टिकटॉक बननी। इवेंट खत्म हो गया है और बाल माल छोड़ना एसी लगा हुआ है, तो बहुत अच्छा इवेंट रहा है यहाँ पे। और बताएं मुस्तफा गुलजार कैसा रहा इवेंट? शट अप, आपको बताएं कैसा लगा? बहुत मज़ा आया। बिलाल आप बताइए कैसा लगा? बहुत मज़ा आया भाई। पहले हमारा इवेंट हो रहा था हमारे अपने स्कूल के अंदर, तो ऑब्वियसली फिर उससे तो ज़्यादा ही अच्छा है, यहाँ पे बैंक्वेट वगैरह फुल खर्चा किया सिटी वालों ने। लास्टली बस मैं यही कहूँगा, मुझे नहीं पता मेरे बैचमेट्स मुझे देख रहे हैं नहीं देख रहे, बट गाइज यू वर द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ माई लाइफ एंड आई हैव स्पेंड 5 years इन दैट कैंपस। बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस, बहुत कुछ सीखा, आई हिट माई प्यूबर्टी देयर, हम मेच्योर हुए वहाँ पर, बहुत कुछ सीखा, मतलब लेजिट हम लोग मम्मी डैडी गए थे वहाँ से और फिर ऐसी हालतों में निकले दाढ़ी मूछों के साथ। सो बहुत अच्छा रहा, थैंक यू सो वेरी मच NNBC फॉर मेकिंग अस, फॉर प्लेइंग सच अ बिग पार्ट इन आर लाइफ। और बहुत ज़्यादा अंग्रेजी हो रही है, लेकिन मैं एक और चीज़ यहाँ पे बहुत कहना चाहूँगा फॉर ऑल जो कि अभी स्कूल में हैं, भाई इन्जॉय कर लो स्कूल लाइफ, जब कॉलेज लाइफ में आते हो, यूनिवर्सिटी लाइफ में आते हो, आपको बहुत याद आती हैं। हमारा भी बस नहीं चलता था कि भाई हम कब खिड़कियाँ विड़कियाँ तोड़ के स्कूल से बाहर निकल जाएँ, एंड वंस वी आर आउट वी वॉन्ट टू गो बैक। जाहिर सी बात है हमें फिर से उन क्लासों में रहना है, फिर से वो सुबह 8 बजे से 2 बजे का रूटीन रखना है, तो जहाँ पर हैं जैसे हैं उसको पूरी तरह अच्छी तरह से इंजॉय करें अपनी ज़िंदगी को, ज़िंदगी के मोमेंट्स को, बट हाँ अल्लाह को ना भूलें। और बहुत ज़्यादा गहरी बातें करने लग गया हूँ मैं, तो थैंक यू सो वेरी मच, लाइक करें सब्सक्राइब करें अगर पसंद आया तो। पीस, हो गया बेटा, हो गया।